हैदराबाद के कुछ ड्रोन शॉट्स ले लिए जाएं। मुज़फ़्फ़राबाद से 45 मिनट्स की ट्रैवलिंग के बाद धनी वाटरफॉल आती है, वहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ पानी अभी उतना नहीं था, पहले आपने मेरी नीलम वैली वाली वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी उतना ज़्यादा पानी नहीं था। ये नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट है और यहाँ पे दरिया के ऊपर इन्होंने पानी रोक के तो छोटा सा डैम बनाया हुआ है। डैम का व्यू आगे होगा, तो ये जो आउटलेट है जहाँ से पानी थोड़ा सा निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से ये दरिया नीलम का पानी बहुत ही कम हो गया और बिल्कुल ही एक जस्ट एक स्ट्रीम की तरह नज़र आ रहे हैं। हम रास्ते में काफ़ी परेशान होते रहे कि इतना कम पानी क्यों है, तो वो बेसिकली इतना कम पानी जो है वो इस डैम की वजह से है। नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट वाली जगह पर स्टे करने के बाद तकरीबन 15 मिनट हमने ट्रैवल किया, और अभी आप साइट पे देख सकते हैं, आपको बहुत खूबसूरत सा एक गांव नज़र आ रहा है। ये टिटवाल गांव है और ये टिटवाल सेक्टर कहलाता है। ये गांव इंडिया में है और पाकिस्तान वाली साइट पे जो गांव है वो चिलियाना है। नीचे एक पुल भी है, यानी ये गाँव दरिया के उस पार है और दरमियान में एक बड़ा सा पुल बना हुआ है। जिन लोगों के पास वीज़ा होता है तो वो लोग यहाँ से पुल क्रॉस करके इंडिया भी चले जाते हैं, और इसके दोनों साइड्स पे जो लोग रहते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं और एक ही कल्चर है। और अक्सर इस तरह होता है कि वीक के अंदर एक आध दिन उनको दिया जाता है कि आप अपने लोगों से कम्युनिकेट करें, तो दोनों साइड पर दरिया के दोनों साइड पर लोग खड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और लेटर्स वगैरह भी देते हैं, चीज़ें भी फेंकते हैं, तो इस तरह से ये इनकी कम्युनिकेशन चलती रहती है। और यहाँ अखरोट का दरख्त लगा हुआ है, ये पके अखरोट हमें मिल गए। ये भाई जो है ना ये लेके जा रहे थे, इन्होंने हमें खिलाए हैं, तो शुक्रिया इनका। ये देखें अभी फ्रेश फ्रेश हैं जी, वो फेंके जा रहे हैं ऊपर लगी हुई है। ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसको फिर ऊपर से छिलका उतार के तो फिर अखरोट बीच में से निकलेगा। हमारा रती गली लेक का ट्रिप है और हम अपर नीलम में ठहरे हुए हैं रेस्ट हाउस में। ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा रेस्ट हाउस है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्ट हाउसेज हैं और लोगों ने अपने घरों को रेस्ट हाउस बनाया हुआ है, और घर जैसा माहौल होता है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ।
और ये अठमकाम से तकरीबन 20-25 मिनट के फासले पे केरन है, और केरन से ऊपर अपर नीलम आता है, 3 किलोमीटर ऊपर है। तो यहाँ हमने अभी स्टे किया हुआ है, सुबह इंशाल्लाह हम रतिगली लेक के लिए रवाना होंगे और यहाँ व्यूज़ इंजॉय करें। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बाकी ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ पे सामने इंडिया है केरन के ऊपर, और हम लोग बैठ के यहाँ इंडिया के नज़ारे ले रहे हैं टेलीस्कोप से, व्यू का इंतजार कर रहे हैं। चार बजे आगे तो बैठ गए कि अब व्यू आएगा। इलियास साहब ने क्या कहा कि सुबह सुबह जो है सुबह सुबह इंडिया देखना है। इलियास साहब सुबह 4 बजे उठ के इधर मेरे पास बैठ गए हैं और कह रहे हैं मैं वेट कर रहा हूँ कब व्यू आएगा, कब व्यू आएगा। ये अपर नीलम में जहाँ पे हम ठहरे हैं वहाँ के रेस्ट हाउस के सामने मकबूज़ा कश्मीर का रीजन है, तो बाइनोक्युलर से हम अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि अभी यहाँ पे कौन सी पोस्ट है और फौजी कहाँ पे इंडिया वाले फेर रहे हैं, और पहाड़ ही साफ दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ मीन वो जो दीवार नजर आ रही होगी वो उस साइड कैमरा उधर लेके जाए, वो दरमियान में बाढ़ लगी हुई है जिस नहीं इस कैमरे से इतनी भी नजर आएगी नहीं, अब बाढ़ नहीं फोकस नहीं हो सकेगी। उधर रात को लाइट्स लगी हुई थी, वो वी शेप बनाई हुई थी इन्होंने, और इतना जोश आ रहा है वहां पे सामने बाढ़ है जो वहां चले जाए मजा। मुजाहिदीन के लिए लगाई है इन्होंने तक जी।
पे जाने का फ़ैसला बहुत अच्छा था। ये डीप ट्रैक बहुत खूबसूरत है, आप जैसे देख सकते हैं दरिया के साथ साथ ये ट्रैक जा रहे हैं और इस पे कोई इतनी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक भी नहीं है और दरिया का साफ़ सुथरा पानी ठाठे मारता हुआ चल रहा है। और ये बहुत बहुत खूबसूरत ट्रैक था, इसका जादुई सा नज़ारा है, इस वजह से मैंने अपनी इस वीडियो में इस ट्रैक की कवरेज की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो बंदा भी नीलम वैली की तरफ आता है तो रत्ती गली ज़रूर जाए। अगर वो रत्ती गली लेक तक हाइक करके नहीं भी जा सकता तो बेस कैंप तक आ जाए। तो इस नज़ारे को, ये जो जीप ट्रैक वाला है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील किया। तो मैं बस ठीक एक जीप ख़राब हो गई और हमें भी रुकना पड़ गया।
बेस कैंप तक की थी। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको रती गली हाइकिंग ट्रैक और